देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। देश के होशंगाबाद में किसान कांग्रेस विजय रथ यात्रा श्री रामजी बाबा समाज से निकाली गई। इस दौरान किसान कांग्रेस विजय रथ यात्रा में नगर अध्यक्ष किसान कांग्रेस आनंद थापक ने बताया कि इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर एवं मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिला किसान कांग्रेस महामंत्री कपिल यादव व जिला के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के सेवा दल और महिला कांग्रेस के साथ साथ NSUI ने शामिल होकर इसे सम्पन्न किया। उत्तर प्रदेश के सहकारी गन्ना विकास समिति मेरठ के अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रदेश के गन्ना किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि इस समय किसानों को गन्ना पर्ची के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। अभी तक किसानों की गन्ना पेड़ी भी खेतों में ही खड़ी है। किसानों के मुताबिक इस बार गेहूँ की बुआई भी कम हो पाई है। एक तरफ सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती है जिससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, लेकिन असल हकीकत ये है कि जो चीज़ें किसानों के लिए मुफ्त हैं उस पर भी सरकारी अधिकारी शुल्क लेते हैं। वाराणसी के थाना क्षेत्र के जमुई गांव में प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत किसानों का शपथ पत्र भरवाते समय लिया जा रहा सुविधा शुल्क एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर जब इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो पुलिस इस मामले के चलते उसे ही उठा ले गई। पूछताछ करने के बाद सुबह छोड़ दिया। फिलहाल अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों की मरम्मत कर काम चलाऊ बनाने के मामले को लेकर वहां के किसान भड़क गए। आक्रोशित किसानों ने नए पुल का निर्माण न किए जाने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। भाकियू अम्बावता से जुड़े किसानों की एक पंचायत क्षेत्र के किशनपुर पंचक की गाँव में हुई जिसमें किसानों ने जमकर इसका विरोध किया। किसानों को भाजपा द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी के लिए भाजपा किसान मोर्चा ने महाकुंभ अभियान के तहत ग्राम बम्होरी कला में एक जन चौपाल का आयोजन किया। इसमें किसानों की समस्याएं सुनी और उनके द्वारा किसानों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि शीघ्र ही किसानों के खाते में पहुँच जाएगी। ये सर्वप्रथम ललितपुर जिले को आवंटित होने वाली है। किसान बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए हमारा चैनल ग्रामीण न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।